जयपुर। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आज के इस हाउसफुल शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि लुनिया जी का पहला बैक पेमेंट डायरेक्टर यहाँ जयपुर से वो बने हैं, तो उनका सम्मान बहुत अच्छे से हो और आप सब आज यहाँ पर आए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिक्स मीटिंग एट रॉयल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। सो लीडर का सम्मान करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लीडर्स के साथ जो हमारे अपकमिंग लीडर्स हैं, जो अपकमिंग लोग जो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, उन सभी का भी सम्मान हो। तो ये वो 11 लोग हैं जिनके माध्यम से आज विनोद कुमार जोगिया जी ब्लैक डायमंड बने। सो उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड यस कांग्रेचुलेशंस जयपुर टीम। दोस्तों, समझते हैं कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब भी हम आते हैं, हम सोचते बिजनेस के बारे में, तो हमारे दिमाग में बस एक चीज आती है कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो उसका एक लाइफ साइकिल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, हम जब भी कुछ काम करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है या आंसर हम लोग बात करते हैं वो ये होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हम लोग काम कर रहे हैं। सब बता सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सब ये बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कैसे हम काम कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि भाई मैं कैसे काम कर रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि 90% लोग इन दो क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूं और मैं कैसे काम कर रहा हूं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन होता है कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, व्हाई आई एम वर्किंग, इस बात पे हम लोग ध्यान दे ही नहीं पाते। और यही क्वेश्चन होता है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, तो वाकई में दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और वहां पे उसे कुछ लेबर्स मिलते हैं, तो वो पहले लेबर से पूछता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो और इसके बाद क्या करोगे। तो वो बंदा बोलता है कि साहब देख लो, आपको दिख ही रहा है, मैं तो ईंटें ढो के यहां रख रहा हूं और इसके बाद क्या करूंगा, घर जाऊंगा, रोटी खाऊंगा, सो जाऊंगा। फिर वो व्यक्ति दूसरे एक बंदे के पास जाता है, उससे बोलता है कि बॉस तुम ये क्या काम कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि सर मैं दीवार बना रहा हूं, एक अच्छी सी दीवार बनाऊंगा, उसके बाद कल को वापस आऊंगा, कहीं और दीवार बनाऊंगा। बोलता है बहुत बढ़िया। फिर वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और तीसरे व्यक्ति को बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो तीसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि सर मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, अभी वापस जाऊंगा, 3-4 महीने में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसकी पूजा करूंगा और बहुत सारे लोग आएंगे, इसकी पूजा करेंगे और इससे यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और भगवान का नाम भी होगा। काम क्या था? तीनों लोग सेम काम कर रहे हैं, बट फर्क क्या है? फर्क है एटीट्यूड का। दोस्तों, आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी की तरफ क्या है, जब आप लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तब पक्की बात है कि आप डाउनफॉल पे चले जाओगे, आप गिरते चले जाओगे। लेकिन जब आप अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तभी आपका एक्चुअल में ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड, सोचिए कि 5 साल पहले आप कहां थे, आज कहां हो, 5 साल बाद आपको कहां जाना है। अगर ये आपने डिसाइड कर दिया तो डेफिनेटली आपकी इनकम एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों, ध्यान रखना, जो मैसेज आता है ना प्यारे प्यारे हमारे फोन में, गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, आई लव यू वाला, आता ना, बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बात है, कितना प्यारा मैसेज आया है। उससे एक और प्यारा मैसेज होता है, क्या होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, जब बैंक हमें भेजता है। तो फ्रेंड, हम क्या चाहते हैं
कि ये मैसेज हमारे पास बार 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 आता रहे, और फिर उसके बाद जब हम अपने घर से बाहर निकले तो एक ऐसी एक शानदार गाड़ी हो जिसमें बैठने के बाद हम यहाँ पे अपना फेवरेट गाना लगाएं, मोबाइल कनेक्ट करें, उसके बाद जब चलाएं तो ये प्यारा सा व्यू आए। और इसीलिए हमने एक ये धमाकेदार एक प्लान निकाला है, जिस प्लान में अगर आप लोग 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से इस क्विक गाड़ी का डाउन पेमेंट जो कि लगभग 51,000 के आसपास का होता है, वो उसका एडजस्टमेंट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। रेस्ट ईएमआई वगैरह आप लोग दे देंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो बहुत सारे। तो फ्रेंड, 1,00,000 डीवी करने पे आपको क्विक गाड़ी की ईएमआई आपको भरनी है, उसके बाद डाउन पेमेंट हम लोग कर देंगे, लगभग 51,000 का एडजस्टमेंट कंपनी की तरफ से मिलेगा हर उस व्यक्ति को जिसने अपने पूरे ग्रुप से पूरी टीम से 1,00,000 से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम किया होगा। बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, आप बैठ सकते हैं, उसकी फील ले सकते हैं, घूम सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, वो भी जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी डील है ये रेनो कॉर्पोरेट डील है, रेनो कॉर्पोरेट की तरफ से वाली हमारी डील चल रही है, और इसको आप किसी भी डीलर से, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी डीलर से आप हमारी कोई भी कार है उसको आप परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी, आपकी मर्जी है। प्लस अगर आपको थोड़ा बहुत आप नेगोशिएशन करने में अगर अच्छे हैं और अगर आपको डीलर से कुछ अच्छा एडवांटेज या डिस्काउंट मिल जाता है तो वो इसके अलावा होगा, क्योंकि ये तो कंपनी की तरफ से है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग आज आने वाले थे नहीं जुड़ पाए, और जितने लोग प्रोबेबली वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग इस वाले ऑफर को अवेल करें, और इस वाले ऑफर को अवेल करने के बाद आप सब लोगों के घर में एक प्यारी सी गाड़ी आए। आई विश ऑल ऑफ यू कि ये आप ऑफर का इस्तेमाल कर सकें। लास्टली फ्रेंड्स, लव एंड रिस्पेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, आई लव माई वर्क, माई फैमिली, माई कंपनी एंड माई कंट्री बिकॉज आई लव myself। और उसके बाद फ्रेंड अपने आप को फिट और एक्टिव रखिएगा ताकि जब आप ब्लाइंड डायमंड डायरेक्टर बने तो हम आपको यहाँ पे अच्छे से नचा सके। ठीक है, और मेडिटेशन करते रहिए, जॉगिंग करते रहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराते रहिए। सबको मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है, किसी को भी उदास चेहरा पसंद नहीं है, और स्माइल इज द पावरफुल मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ नेटवर्क मार्केटर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप बढ़िया में आए, थैंक यू।